हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा स्टैनी वर्ल्ड। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माय स्टाइल रेहू फिश करी का रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मस्टर्ड पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए मैं 1 टीस्पून येलो मस्टर्ड ले रही हूँ और 1/2 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर एक जार में ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 5 से 6 हरी मिर्च और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे 1 kg रेहू फिश को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें मसाला मिक्स कर रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और मछली को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। सो ये जो रेसिपी है आप बिना फिश को फ्राई किए हुए भी बना सकते हैं क्योंकि फ्रेश है मछली और बहुत ही टेस्टी लगता है। बट आज मैं फ्राई करके ही बनाऊंगी। तो देखिए मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब फ्राई कर लेते हैं मछली को। तो मैं एक पैन में ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। तेल को एकदम अच्छे से हीट करना है जब तक ना तेल से धुआं निकल जाए, नहीं तो फिर मछली स्टिकी हो जाता है और टूट जाता है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मछली को ऐड कर देंगे और फिर इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मछली को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कड़क हो जाएगा और खाने में एकदम अच्छा नहीं लगेगा। और मछली को हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो मछली अच्छे से फ्राई होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। सो मछली फ्राई हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में। आप देख ही सकते हैं कि मैंने एकदम लाइट गोल्डन सा फ्राई किया है। आपको जैसा पसंद हो आप कर सकते हैं उस हिसाब से। और ऐसे ही करके मैं और भी जो बाकी है उसको भी फ्राई कर लूँगी। सो मेरा सारा मछली फ्राई हो गया है और देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है। ऐसा वेदर रहता है तो कितना अच्छा लगता है ना कुकिंग करने में और अच्छा अच्छा खाने का भी दिल करता है। एनीवे कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं सेम ऑयल में ही कुक करूंगी। तेल को मैंने ठंडा कर लिया। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून काला जीरा। इसको 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जब तक ना ये स्प्लैटर हो जाए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच जितना प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मैंने मस्टर्ड पेस्ट बना के रेडी किया था उसको मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ऐड करूंगी इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हल्का हल्का पानी ऐड करके मसालों को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला अच्छे से भून गया तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर दी हूँ। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करिएगा। और फिर देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे मछली को। और फिर मछली को कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इससे मछली जो है वो एकदम सुपर जूसी होता है और मसाला अच्छे से अंदर तक जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, एकदम सॉफ्ट सा जूसी सा और ग्रेवी भी थोड़ा थिक हो जाएगा। नाउ फाइनल टचेस, थोड़ा सा स्लिट करके हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें और मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को कर दूंगी ऑफ एंड इट इज़ डन एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। ये बहुत ही टेस्टी लगता है गरम चावल के साथ। आप भी ज़रूर से बनाइए और ट्राई करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है और कैसा रेसिपी चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।